हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन बहुत ही लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, और हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की और हाइड्रोजन वर्ड सबसे पहले किसने दिया, इन सभी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम जानेंगे। हाइड्रोजन का जो प्रिपरेशन मैथड या लैब में प्रिपरेशन मैथड क्या होता है, ये सभी चीज़ें आज के लेक्चर में हम जानेंगे। और अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। हाइड्रोजन वॉज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी फॉर्म्ड आफ्टर यूनिवर्स वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर अगो। यानी जब हमारा यूनिवर्स बना था, जब हमारा ये यूनिवर्स बना था, यानी पृथ्वी बनी, और मतलब ये पूरा जब यूनिवर्स बना, ठीक है, तो उस यूनिवर्स में सबसे पहले जो गैस बनी थी वो हाइड्रोजन गैस ही थी। मतलब वही बताया गया, हाइड्रोजन वॉज द फर्स्ट एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन पहला एलिमेंट था इस यूनिवर्स पर, ठीक है। तो जब ये यूनिवर्स बनी, ये पूरा ब्रह्मांड बना, तो उस टाइम पे क्या हुआ, सबसे पहला एलिमेंट जो था वो क्या था, हाइड्रोजन था बच्चों। आगे बात करेंगे, इट इज लाइटेस्ट एंड सिंपलेस्ट एटम। हम हाइड्रोजन की बात करते हैं बच्चों, तो ये लाइटेस्ट और बहुत ही सिंपलेस्ट एटम होता है, और इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड वेट्स अबाउट 1/14 एज मच एज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है बच्चों, वो कैसा होता है, एक तो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और वेट्स की बात करते हैं तो ये 1/14 होता है किसके, एज मच एज एन इक्वल टू द इक्वल ऑफ एयर के, ठीक है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे बच्चों। तो डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं बच्चों, इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। जैसा इन 16th सेंचुरी अ स्विस फिजिशियन, यानी 16th सेंचुरी की बात करते हैं, एक स्विस फिजिशियन थे जिनका नाम क्या था, ये थे पैरेलसिस, ठीक है, ऑब्जर्व दैट हाईली इनफ्लेमेबल गैस वॉज रिलीज्ड व्हेन आयरन वॉज एडेड इन सल्फ्यूरिक एसिड। देखो 16th सेंचुरी की बात करते हैं, तो स्विस फिजिशियन थे जो कि इनका नाम था पैरासिल्स, ठीक है, पैरासिल्स थे। इन्होंने ये बताया कि ये इनफ्लेमेबल गैस होती है ना, वॉज रिलीज, ये कब रिलीज होती है, तो ये रिलीज होती है व्हेन, क्या होता है, जब आयरन इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड, जब आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया जाता है तो ये गैस रिलीज होता है, ऐसा 16th सेंचुरी में इन्होंने बताया। उसके बाद बात करते हैं, द वर्ड गैस वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1613 बाई वॉन हेलमोंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गैस वर्ड का नाम किसने दिया था, तो इसमें जो वर्ड गैस जो नेम दिया था वो दिया था, किसने दिया था बच्चों, देखो बच्चों, यहां पर द वर्ड गैस वॉज यूज द फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन को गैस वर्ड किसने कहा था, तो 1630 में बाई वॉन हेलमोंट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको गैस कहा था। आगे बात करते हैं बच्चों, इन 1766 की बात करते हैं कि हेनरी कैवेंडिश ऑब्टेन द गैस बाई एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू जिंक। तो हाइड्रोजन गैस की डिस्कवरी किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था कि इसमें क्या किया था, द गैस ऑब्टेनिंग एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जिंक लिया और जिंक में क्या ऐड कर दिया, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया तो वहाँ से एक गैस रिलीज हुई जिसे इन्होंने हाइड्रोजन कहा, ठीक है। तो हाइड्रोजन की डिस्कवरी बेसिकली किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की। उसके बाद बच्चों बात करते हैं, इन 1783 है ना, एंटोनिन लेवोसियर नेम द गैस हाइड्रोजन, यानी जो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन जो वर्ड दिया गया था वो एंटोनिन लेवोसियर ने दिया था 1783
थ्री में। हाइड्रोजन इज द ग्रीक वर्ड, देखो हाइड्रोजन दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है जिसका मीनिंग होता है वाटर फॉर्मर, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाता है, वाटर बनाता है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, हाइड्रोजन को कैसे बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले एक्शन ऑफ कोल्ड वाटर, यानी जब हम सोडियम मेटल की कोल्ड H2O यानी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक। एक्शन ऑफ स्टीम, एक्शन ऑफ स्टीम का मतलब होगा कि जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती, एक तो FeO4 बनेगा और H2O बनेगा, लेकिन अगर इन दोनों को फिर से रिएक्शन करा दिया जाए तो ये फिर से बन जाएगा, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं जिंक की, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ZnCl2 बनता है, दो बार देखो लिख गया, ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अगर हम हॉट जिंक की कंसनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज होगी। अब देख लेते हैं लेबोरेटरी, यानी लैब में हम लोग हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं, तो लैब में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए एक इस तरीके से पॉट ले लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं गोल पेंदी का, जिसे राउंड फ्लास्क बोलेंगे, इसमें हम जिंक के छोटे छोटे पीस ले लेते हैं और ऊपर ये थिसिल फनेल लगा हुआ है, इस थिसिल फनेल से हम यहाँ पर H2SO4 डालते हैं, ठीक है। तो जब H2SO4 यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जो जिंक होता है उस जिंक के साथ ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद में ये हमारा जो हाइड्रोजन है इधर से जाता हुआ इसको यहाँ पर एक पानी से भरे हुए गैस जार में जोड़ देते हैं, इस पाइप, जिस पाइप के थ्रू क्या होता है हाइड्रोजन जाता है और ऊपर से एक उल्टा जार रख देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है उड़ ना जाए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारी इकट्ठा हो जाएगी, फिर इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन बनेगा वो कैसा होगा, वो इम्प्योर हाइड्रोजन होगा। इसके बाद में हम हाइड्रोजन का क्या करते हैं बच्चों, प्यूरिफिकेशन करते हैं, क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे कि इसको ड्राइड करेंगे, यानी कैल्शियम क्लोराइड के साथ इसको अगर हम रिएक्शन कराएंगे, यानी उससे होकर के अगर गुजारेंगे तो ये प्योर हाइड्रोजन हो जाती है। ठीक बच्चों, टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के टेस्ट की बात करेंगे तो इट इज़ ऑर्डरलेस, कलरलेस, न्यूट्रल गैस होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारी ऑर्डरलेस होती, टेस्टलेस, और क्या होती, कलरलेस और न्यूट्रल गैस होती है। प्योर हाइड्रोजन बर्न क्विकली इन ऑक्सीजन विद पेल ब्लू फ्लेम। प्योर हाइड्रोजन क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन के टच में आता है तो वो तेज़ी से बर्न होता है और जब ये जलता है तो यहाँ से क्या होता है, ब्लू कलर की एक फ्लेम निकलती है। ठीक है, और इससे जो साउंड आती है, जब भी ऑक्सीजन बनेगी तो वहाँ पर पॉप साउंड आती है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं बच्चों। अगर हम बात करें हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन अगर सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2O हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमारा हाइड्रोजन था, इसकी डिस्कवरी किसने की, लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड क्या था, जनरल प्रिपरेशन मेथड क्या था और इसका इंट्रोडक्शन क्या था, इन्हीं चीज़ों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें जानी थी। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमारे सन में भी पाया जाता है। ठीक है, सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें हाइड्रोजन का काफ़ी रोल होता है, जिससे हीट और लाइट निकलती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर दिस क्लास।